कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिरवा झेंडा दाखवून 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन महाराष्ट्राला भेट दिल्या आहेत। सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्स येथून शिर्डी, सोलापूर, मडगाव, जालना, नागपूर, बिलासपूर, इंदूर, गांधीनगर, अहमदाबाद अशा एकूण 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन धावतात। त्यात भर पडून आजपासून पुणे ते कोल्हापूर अशी पहिली, तर पुणे ते हुबळी अशी दुसरी, तर आणि नागपूर ते सिकंदराबाद ही तिसरी अशा 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुरू केल्या आहेत। यामुळे या मार्गावरील प्रवाशांना अधिक आरामदायी व गतिमान प्रवास करता येणार आहे। या माध्यमातून राज्यातील रेल्वे प्रवाशांची एक मोठी मागणी महायुती सरकारने पूर्ण केली आहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ईद मिलादुन्नबी के मौके पर परभनी जिले के जिंतूर तालुके में जिंतूर शहर में जिस तरह से यहां पर रिकॉर्ड ब्रेक हिजामा कैंप यहाँ पर कामयाब हुआ है, जिसमें 1300 कप लगाए गए हैं, जिसमें से 120 के करीब कप खवातीन महिलाओं को लगाए गए हैं और बाकी के कप पूरी तरह से यहाँ पर मर्द हजरात ने हिजामा तमाम ही लोगों ने किया है। जिस तरह से जिंतूर शहर में हिजामा की जन जागृति की गई है, यहाँ पर दो दिन पहले ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 1430 रक्तदाताओं ने यहाँ पर रक्तदान किया था। और आज अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जिस तरह से यहाँ पर जिंतूर शहर में मौलाना आजाद फाउंडेशन की जानिब से हिजामा कैंप का आयोजन किया गया है, मौलाना आजाद फाउंडेशन की जानिब से पूरी तरह से यहाँ पर हिजामा कैंप का केयर किया जा रहा है और जितने भी यहाँ पर मौलाना आजाद फाउंडेशन के तमाम ही मेंबरान की जानिब से जिंतूर शहर के हर व्यक्ति को हिजामा के लिए बुलाया गया है और हिजामा का फायदा बताया गया है कि हिजामा की वजह से हिजामा सुन्नत भी है और यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी तरह से होता है हिजामा करने की वजह से। सुन्नत पर अमल करने का एक पहला तरीका ही हिजामा कैंप के जरिए से यहाँ पर तमाम हाजरीन के लिए बताया गया और हिजामा के अलावा यहाँ पर ख्वातीन के लिए ऐन मौके पर इजतमा का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया था। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सुलेमान सिद्दीकी, समीर चाउस, शहजान सिद्दीकी, अमीन लंकानी, जायद सैयद, शोहेब खान, नदीम बॉस, आमिर खान, सलमान खान, आसिफ, शेख सैयद मोमिन, अजीम भाई, शेख शाहिद खान, अरबाज खान, कलीम सैयद, जुनेद सैयद, आमिर सैयद, सैयद एजाज, शेख मुखीम, फरहान सिद्दीकी, अब्दुल मुजबिर, शेख अखिल, शेख सैयद, अल्ताफ शेख, सिराज सैयद नाबिल, शेख फरहान, शेख बबलू, सैयद वजाहत, सुहेल शेख, नवीद शेख, जुनेद शेख, समीर शेख, इन सभी लोगों ने मिलकर हिजामा कैंप को कामयाब किया है। जिस तरह से यहाँ पर इस हिजामा कैंप में 1300 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पर जिंतूर शहर के तमाम ही यहाँ पर उन लोगों ने आकर अपने ख्यालात का इजहार भी किया है जो यहाँ की मान्यवर शख्सियतें हैं और तमाम ही लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से हिजामा कैंप का आयोजन किया गया था और इस हिजामा कैंप में पूरी तरह से जिंतूर शहर के नौजवानों ने यहाँ पर आकर हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद में इस हिजामा कैंप को पूरी तरह से कामयाब किया है। इस हिजामा कैंप में लगभग 1300 से ज़्यादा मर्द हजरात और ख्वातीन हजरात ने मिलकर हिजामा कराया और हिजामा के फ़ायदे किस तरह से होते हैं ये भी यहाँ पर डॉक्टर जुनेद साहब इनकी जानिब से बताया गया है। डॉक्टर जुनेद साहब पिछले कई वर्षों से लगातार हिजामा कामयाबी के साथ में करते हैं और डॉक्टर जुनेद साहब जिस तरह से यहाँ पर हिजामा कैंप को कामयाब करने की बात करते हैं, इन्होंने ख्वातीन और हजरात को जिस तरह से मार्गदर्शन किया है, यहाँ पर कुछ समय के लिए एक इज्तिमा का भी आयोजन किया गया था और इज्तिमा के बाद में यहाँ पर जिस तरह से इस हिजामा को कामयाब किया गया है, आइए जानते हैं इस वक्त मान्यवरों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। मेरे तमाम दोस्तों और इस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए तमाम नौजवान बलसा रोड और जिंतूर शहर के, मैं आप तमाम को सबसे पहले ये मुबारकबाद देता हूँ कि आज
12 रबीउल अव्वल मिलादुल नबी के मौके पर जिस तरीके से जिंदपुर शहर के मौलाना आजाद फाउंडेशन के नौजवानों ने अच्छा सा शहर में प्रोग्राम रखा है, इसके लिए हिजामा कैंप के अंदर जो लोग शिरकत कर रहे हैं और हिजामा लेने के लिए जो डॉक्टर आए हुए हैं, मैं उनको भी यहां पर उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हिजामा लेने का मकसद यह है कि हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हिजामा से हमें क्या फायदा होता है यह हमें बताया है। हिजामा लेने का मकसद, हिजामा की वजह से हमारा जो खून का दौरान होता है, जो खून का दौरान अच्छी तरीके से चलता है और अगर किसी को बीपी है तो बीपी की वजह से भी उसका सर्कुलेशन खून हमारे मौलाना आजाद फाउंडेशन की तरफ से हिजामा कैंप का प्रोग्राम तय किया गया है और इसमें नौजवान साथी माशाल्लाह बहुत काम उम्मीद से कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद भी रखकर और इंशाल्लाह सकल मुस्लिम समाज की तरफ से जितना भी कल रक्तदान शिविर हुआ है ये बहुत बड़ी मराठवाड़े के आपके महाराष्ट्र में एक जिंतूर की तहजीब और रक्तदान शिविर का एक आंकड़ा पूरे महाराष्ट्र में मराठवाड़े में घूम रहा है। वैसा ही आज ये बच्चों ने ईद मिलादुन्नबी के हिजामा कैंप रखा, इसमें भी बड़ी तादाद से बच्चे और नौजवान इसमें काम की उम्मीद बनकर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ये बच्चे ऐसी ही तादाद में काम करते रहे और जिंतूर के एक नाम अच्छे दर्जे पे चले और मसला जिंतूर से शुरू होता है नौजवानों से ये बड़ी बात है और ये जिंतूर का रक्तदान शिविर देखते हुए कल एक आज मुझे लगता परभनी में भी रक्तदान शिविर रखा गया है। ये अपनी दखल बहुत सारे शहरों में दिए जा रही है और सबसे बड़ी बात मैं नौजवान अपने जिंतूर के तरफ से करता हूँ कि जितने भी नौजवान हैं एक बार काम थाम लिया तो रुकने का। मौलाना आजाद फाउंडेशन के तमाम मेंबर को और तमाम इस कमेटी के लोगों को और इस कमेटी के सदर को और इस कमेटी के मेन ऑनर को कि उन्होंने ये काम किया इस मुबारक महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने का अजाइम किया था, इरादा किया था, अल्लाह ताला ने उनको इस इरादे में कामयाब किया और हम ये चाहते हैं कि मौलाना आजाद फाउंडेशन अल्लाह इस कमेटी को नजर बद से बचाए और अल्लाह इनसे दीन दुनिया का काम ले लें और पूरे महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह कि इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। अभी दो दिन पहले ब्लड डोनेशन का कैंप हुआ, वो कैंप को मैं एक जगह विजिट दे रहा था बुल्ढाना में मैंने इस कैंप की न्यूज़ देखी और वीडियो न्यूज़ देखी और पेपर न्यूज़ देखी, बहुत खुशी हुई। उसके बाद आज जब मैं देखा कि हिजामा कैंप सुबह आने से पहले लोग इंतजार में थे और बैठे हुए थे हमारा हिजामा करना है, कई लोगों के अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों का हिजामा करना बाकी, ये गुमान है शायद रात में 10 भी बच सकते हैं। मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ सुलेमान भाई को और इनके बड़े भाई शहबाज भाई और अरबाज भाई और इनकी पूरी टीम को अल्हम्दुलिल्लाह कलीम सैयद भाई और बड़ी मेहनत की है और पूरे इस एरिया के लोगों को लिए भी खास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और नियत करता हूँ कि आप जब भी दावत देंगे आपकी दावत पर मेरी जान भी माल भी और मैं खुद यहाँ पर हाजिर रहूँगा और इंशाल्लाह हर वक्त कैंप के लिए मैं रेडी रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आजाद फाउंडेशन की जानिब से एक हिजामा कैंप रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में बहुत मौलाना आजाद फाउंडेशन के सारे ही नौजवान साथी मिलजुल कर मेहनत कर रहे हैं और उससे रिजल्ट भी अच्छा रहा है। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस हिजामा कैंप को हमेशा करने की कोशिश करता फरमाए और इसको कामयाबी से नवाजे और मेरे तहे दिल से मैं तमाम ही साथियों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना आजाद फाउंडेशन के जानिब से मिलादुन्नबी के मुबारक मौके के ऊपर मौलाना आजाद फाउंडेशन के जानिब से अजीम शान हिजामा कैंप का जिंतूर शहर के अंदर आगाज किया गया था। मौलाना आजाद कॉलोनी बलसा रोड जिंतूर, यहाँ पे सभी हमारे मौलाना आजाद फाउंडेशन के जो मेम्बर आते हैं, जो हमारे जो बच्चे
रात से जो मेहनत कर रहे हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हिजामा कैंप का जो रखा गया है, जेंट्स का भी और लेडीज का भी, यहाँ पे पंडाल के अंदर जेंट्स का रखा गया है और लेडीज का अम्मा मैडम इनके हॉस्पिटल में रखा गया है। सुबह से माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है और यही आगे ये रखते हैं इंशाल्लाह कि सुबह शाम 6 बजे तक भी अच्छे से अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। 150 से 200 लोग अभी तक हो चुके हैं इंशाल्लाह। इसके आगे हम ऐसी कोशिश करेंगे प्रोग्राम लेने की मौलाना आजाद फाउंडेशन की जानिब से। बोलते हैं ये न्यूज कवर की हमारे पर बनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24x7 माजा महाराज न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट्री टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और रुजुल फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24x7 माजा महाराज न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24x7 माजा महाराज न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं। ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से इंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22x40 के प्लॉट्स है और 22x40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सेंक्शन कराकर ये डीपी, और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में
सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है, हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है, हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है, इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जामपारवा गेट दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जामपारवा गेट दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर बनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी।